टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारी खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अलख नैन मंदिर, दक्षिणी राजस्थान का पहला फुली एक्रेडिटेड नेत्र चिकित्सालय, अलख नयन आई हॉस्पिटल, अलख हिल्स प्रताप नगर एक्सटेंशन, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश गिरफ्तार। एसपी भुवन भूषण यादव के निर्देश पर ऋषभदेव थाना पुलिस ने की कार्रवाई। मोबाइल पर गेम खेलने की लत में अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठा 7वीं कक्षा का छात्र, मनोचिकित्सक और डॉक्टर्स की टीम जुटी इलाज में। होटल जस्ता में सफाई कर्मचारियों की मौत पर धरने प्रदर्शन पर उतरा वाल्मीकि समाज, होटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सहित कई मांगों पर अड़ा समाज। और न्यूज 91 की खबर का एक बार फिर हुआ असर, आमेठ में हादसे रोकने के लिए जलाशयों पर होमगार्ड्स तैनात। हाईवे पर घात लगाकर राहगीरों पर हमला करने और उनसे मोबाइल तथा नकदी लूटने वाले 4 बदमाशों को ऋषभदेव थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को बार बार मिल रही इस तरह की शिकायतों के बाद जिले के एसपी भुवन भूषण यादव ने इस तरह की गैंग्स को पकड़ने और इस तरह के बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद ऋषभदेव पुलिस ने अभियान चलाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जब इन बदमाशों को पकड़ा गया उस समय भी ये बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे। ऋषभदेव पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये 4 नकाबपोश बदमाश उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर राहगीरों के साथ लूट करने, उनके मोबाइल और नकदी लूटने के आरोप में धरे गए हैं। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर घात लगाकर वहां से गुजरने वाले वाहनों और वाहन चालकों पर हमला करते थे ये बदमाश और उसके बाद इन चालकों से मोबाइल और रुपये लूट कर फरार हो जाते थे। ऐसे में पुलिस ने इन बदमाशों को बापर्दा पहले मीडिया के सामने पेश किया और अब इन्हें बापर्दा ही न्यायालय में पेश किया जाएगा और इनकी शिनाख्त भी कराई जाएगी। आपको बता दें जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने ऐसे वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार करने की निर्देश दिए थे। ऐसे में ऋषभदेव पुलिस ने अभियान चलाया और इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका और उनकी टीम ने इस मामले में तकनीकी सहयोग लेते हुए अनुसंधान किया। इस दौरान इन 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपियों को कलावत नदी के पुलिया के पास झाड़ियों में उस समय गिरफ्तार किया गया जब ये बदमाश एक और लूट की योजना बना रहे थे। ऋषभदेव डिप्टी हेरम्ब जोशी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में ऋषभदेव क्षेत्र के गड़ावत में रहने वाले बिलख निवासी विशाल पिता बाबूलाल और इसी क्षेत्र के गड़ावत में रहने वाले माइकल पिता दिलीप, वालदार निवासी खानूराम पिता ललित व वालदार के ही ब्रिजेश पिता रमेश को गिरफ्तार किया है। हाईवे पर ये बदमाश सुनसान जगह पर डकैती की योजना बनाते थे और वाहनों को निशाना बनाते हुए वाहन चालकों से मोबाइल और उनकी नकदी छीन लिया करते थे। We are Central Academy. We are in 4 states in 30 cities with 68 schools and with 150,000 students. We are committed to imparting quality education, instilling patriotism and sanskaras in centimians. Visit Central Academy Group of Schools, Udaipur. चलिए अब रुख करते हैं मोबाइल की लत लगने और उसके बाद होने वाली शारीरिक और मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई एक खबर पर।
मामला राजस्थान के अलवर जिले का बताया जा रहा है, जहां 14 साल के एक छात्र को मोबाइल पर पबजी और फायर फ्री गेम खेलने की ऐसी लत लगी कि वो अपनी पुरानी याददाश्त ही भूल बैठा। इस छात्र को अब कांपते हुए हाथों के साथ और अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने के गम के चलते पिता और उसके परिजन इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि इस छात्र को अब एक दिव्यांग संस्था ने अपने यहाँ हॉस्टल में रखा है और इसकी मानसिक तथा शारीरिक स्थिति को सामान्य करने के लिए मनोचिकित्सक सहित कई डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये 14 वर्षीय छात्र पबजी के गेम के चलते इस स्थिति में पहुंचा है। अपने कांपते हाथों के साथ जीत जीत और सिर्फ जीत की गुहार लगाने वाला यह शख्स अब अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का संतुलन ही खो बैठा है। अलवर जिले की मूमसा कॉलोनी में रहने वाले इस छात्र के पिता रिक्शा चलाते हैं, जबकि इसकी माता आसपास के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। बताया जा रहा है इस युवक के पिता ने इसे एंड्रॉइड मोबाइल खरीद कर दिया था। इसके बाद इसे गेम खेलने की ऐसी लत लगी कि इसने अपने पड़ोस के ही एक वाईफाई का पासवर्ड हैक करते हुए गेम खेलने में खुद को इतना व्यस्त कर दिया कि ये अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन ही खो बैठा। इसके चलते अब इसके पिता बेहद परेशान है। माता पिता और परिवार के लोग अब इसका इलाज कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं फायर फायर चिल्लाते इस शख्स की हालत को देखने के बाद इसे एक दिव्यांग संस्था के हॉस्टल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग संस्था में एक स्पेशल टीचर द्वारा इसका देखरेख की जा रही है और इसकी हालत को सुधार के लिए कई डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि मनोचिकित्सक और डॉक्टर्स की टीम इसका इलाज कर रही है। डॉक्टर्स उसे मोबाइल से दूर रखने के साथ साथ अब भौतिक गेम खिलाने में और हर गेम में उसे जीत दिलाने के साथ साथ उसकी पुरानी याददाश्त को लौटाने में जुटे हुए हैं। इस बच्चे के साथ आखिर क्या घटना हुई है, इस पूरे वाक्य को सुनिए भौतिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय के स्पेशल टीचर भवानी शर्मा से। हमारे बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय अलवर में एक बच्चा आया है जो हमने असेसमेंट किया है उसके अनुसार और परिजनों के कहने के हिसाब से बच्चा पबजी और फ्री फायर जैसे घातक गेम का शिकार हुआ है। और बच्चे ने वाईफाई कनेक्ट करके पड़ोस से लेकर और बच्चे ने इस गेम का इस्तेमाल किया है और बच्चे ने इस गेम के अंदर हार हासिल की है। और ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की हार होती है तो हार बर्दाश्त नहीं होती है, वो या तो सुसाइड करता है या फिर वो अपने शारीरिक मानसिक संतुलन खो बैठता है। इस बच्चे ने वो ही किया है, अपना पूरा शारीरिक मानसिक संतुलन खो दिया है और बच्चा अब उस अंधेरी जिंदगी के अंदर चला गया है कि अब इस बच्चे को पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं बता पा रहा है। और अब बच्चे के साथ में हमने जो कार्य किया है वो स्पोर्ट एक्टिविटी के अंदर और या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए हमने जो बच्चे के लिए फॉर्मेट तैयार किया है उसमें हमने डिसाइड किया है कि बच्चे को जो भी गेम खिलाएंगे उसमें सब गेम के अंदर बच्चे को जीत हासिल करवानी है, ताकि बच्चे के अंदर जो दिमाग में डर घुसा हुआ है हार का वो बाहर निकले और बच्चा एक जीत सोचकर उस दिमाग में अपने जहन में उस जीत को उतारे और वापस उसी जिंदगी में वापस लौट सके। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में राजस्थान का नंबर वन अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। उदयपुर के सज्जनगढ़ क्षेत्र में स्थित जस्ता होटल के सेप्टिक टैंक में सफाई करते समय 2 सफाई कर्मचारियों की मौत होने के बाद सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। वाल्मीकि समाज ने शनिवार को जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इन आरोपी होटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए और परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे शव नहीं उठाएंगे। वाल्मीकि समाज के लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जिला कलेक्ट्री के बाहर
धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जिला कलेक्ट्री के बाहर जमा हुई ये भीड़ और इसमें मौजूद सभी लोग शुक्रवार को सेप्टिक टैंक में सफाई करते हुए दो कर्मचारियों की मौत के बाद आक्रोशित होकर यहां आए हैं। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के परिवारों और परिवारजनों ने इस हादसे के बाद होटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने के साथ साथ होटल प्रबंधन द्वारा भी इन मृतकों और इनके परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे दोबारा न हो। आपको बता दें, अम्बामाता थाना क्षेत्र के सज्जनगढ़ इलाके में स्थित होटल जस्ता के सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान चार कर्मचारी इसमें उतरे थे। ऐसे में दो सफाई कर्मचारियों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद इस मृतकों को अस्पताल लाया गया था जहां से उन्हें मोर्चरी में उनके शवों को शिफ्ट कर दिया गया था। साथ ही गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले के बाद वाल्मीकि समाज खासा आक्रोशित है। समाज के लोगों का कहना है कि मृतकों के परिवार को मुआवजा देने के साथ साथ होटल प्रबंधन के खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वे अपना धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे और न ही मृतकों के शवों को उठाएंगे। इसके चलते अब लगातार उनके द्वारा जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये प्रदर्शन खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। उदयपुर की वाल्मीकि समाज तमाम आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रही है। वाल्मीकि समाज के दो सदस्य जो चले गए हैं, इनकी डेथ हो गई है। हमारे समाज के लोगों की मांग ये है कि एक तो उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए और दूसरा ये है कि जो होटल प्रशासन है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो समाज पूरा ये कह रहा है कि भाई एक बार उनकी गिरफ्तारी भी हो और लिखित में हमें प्रशासन की ओर से ये लिखित में एक आदेश मिल जाए कि उनके परिवार के लोगों को जिनके घर में मृत्यु हुई है उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिले। यदि प्रशासन द्वारा इस प्रकार की नहीं किया गया तो वाल्मीकि समाज अभी सड़कों पर उतरा हुआ है और हम डेड बॉडी जब तक नहीं लेंगे जब तक हमें संतुष्ट प्रशासन की ओर से संतुष्टिकरण जवाब नहीं मिलेगा। न्यूज 91 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। आमेट क्षेत्र में एक नाड़ी में नहाते समय चार बच्चों की मौत होने के बाद उठे सवालों को लेकर न्यूज 91 ने इस तरह के हादसों पर रोक लगाने की मांग की थी। इस खबर के चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए पानी से भरे रिस्की जोन और इनके आसपास में होम गार्ड्स की तैनाती कर दी है। साथ ही रस्सी के सहारे ऐसे कई स्थानों को ब्लॉक किया गया है जहां जाने से बच्चों की या तैरना नहीं जानने वाले लोगों की मौत हो सकती है। आमेट उपखंड सहित लगभग पूरे राजसमंद में कई छोटे मोटे जलाशयों और नदी नालों में अच्छे पानी की आवक हुई है। इसके बाद इन स्थानों पर हादसों की आशंका भी बढ़ गई है। आमेट क्षेत्र में दो दिन पहले नहाते समय एक ही परिवार के चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। इस खबर के बाद न्यूज 91 ने इस तरह के हादसों को रोकने की मुहिम चलाई थी। न्यूज 91 ने सवाल किए थे कि इस तरह के हादसे दोबारा न हो, इसको लेकर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। इसी खबर के बाद आमेट क्षेत्र के उपखंड अधिकारी और प्रशासन ने मिलकर इन क्षेत्रों में होमगार्ड की तैनाती कर दी है। साथ ही पोस्टर्स लगाकर लोगों को सचेत किया है कि वे ऐसे किसी स्थान पर नहाने के लिए न जाएं जहां से उन्हें बाहर निकलने में मुसीबत का सामना करना पड़े। साथ ही बच्चों और तैरना नहीं जानने वाले युवक युवतियों को भी पानी के इन जलाशयों और इन नाड़ियों के पास जाने से रोकने का
काम शुरू कर दिया गया है। बहरहाल न्यूज 91 आपसे एक बार फिर अपील करता है कि इस तरह के खतरनाक स्थानों पर जाकर पिकनिक भी न मनाए और न ही इन स्थानों में तैरने की कोशिश करें जहां से आपको निकलने में मुसीबत हो सकती है। आपकी पिकनिक से ज्यादा आपकी जान की कीमत है, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें और ऐसे स्थानों से दूर रहें। कांग्रेस सेवा दल की ओर से उदयपुर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर शैलेंद्र औदिच्य को मनोनीत किया गया है। डॉक्टर शैलेंद्र के नाम की घोषणा होने के बाद सेवा दल कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। डॉक्टर औदिच्य का इस मौके पर चेतक सर्किल स्थित चौराहे पर अभिनंदन किया गया। इस दौरान कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और कांग्रेस जन मौजूद थे। कांग्रेस नेता गोपाल नागर के नेतृत्व में हुए आयोजन में विधानसभा उदयपुर शहर के अध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया, सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हितेश साहू का भी सम्मान किया गया। कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष गोपाल नागर ने बताया कि शिव सिंह सिसोदिया को सलूम्बर का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने नव नियुक्त अध्यक्ष का सम्मान किया, उन्हें उपरना ओढ़ाकर उसका अभिनंदन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए और उनमें खुशी का माहौल है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा, अजय सिंह, पूर्व पीसीसी सदस्य सुरेश श्रीमाली, सहवर्त पार्षद रविंद्र पाल सिंह कप्पू, चमन सिंह चौहान, विक्रम सालवी, विकास कच्छारा, पुष्पेंद्र शर्मा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि सलूम्बर अध्यक्ष सिसोदिया ने CWC मेंबर रघुवीर मीणा से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ नगाराम खराड़ी, मोहन औदिच्य, नारायण चौधरी, रूपालाल साधी, नाथूलाल मीणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अलकनयन मंदिर, दक्षिणी राजस्थान का पहला फुली एक्रेडिटेड नेत्र चिकित्सालय, अलकनयन आई हॉस्पिटल, अलक हिल्स प्रताप नगर एक्सटेंशन, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश गिरफ्तार। SP भुवन भूषण यादव के निर्देश पर ऋषभदेव थाना पुलिस ने की कार्रवाई। मोबाइल पर गेम खेलने की लत में अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठा 7वीं कक्षा का छात्र, मनोचिकित्सक और डॉक्टर्स की टीम जुटी इलाज में। होटल जस्ता में सफाई कर्मचारियों की मौत पर धरने प्रदर्शन पर उतरा वाल्मीकि समाज, होटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सहित कई मांगों पर अड़ा समाज। और न्यूज 91 की खबर का एक बार फिर हुआ असर, आमेट में हादसे रोकने के लिए जलाशयों पर होमगार्ड्स तैनात। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 की टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PT कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।